ई व्हीकल पॉलिसी पे, मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिले, सस्ते मिले, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी, विभागों से भी तीन दौर की चर्चा पहले हुई और आज फाइनल अंतिम डिस्कशन ऑन ऑल बेनिफिट्स हमने करे हैं कि आने वाली एक महीने के अंदर अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाए, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पेरिस के अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था कि हम अपने कार्बन इम्प्रिंट्स को कम करेंगे, और आप खुद देखते किस तरीके से एनजीटी निरंतर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती रहती है, आज समय आ चुका है कि हम उस कन्वर्शन की ओर जाएं और कैसे टू व्हीलर्स को, थ्री व्हीलर्स को, फोर प्लस व्हीलर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स कौन कौन सा विभाग देगा उसके ऊपर आज चर्चा करी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 30 दिन का टारगेट लेते हैं कि 20 नवंबर से पहले पहले प्रदेश के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पूरी तौर पर लॉन्च करेंगे। तमाम चीज परचेज के अंदर उसको वन टाइम कूपन बेनिफिट कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, उसके चार्जिंग स्टेशन को कैसे सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि आज जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वो 12 लाख से 20 लाख तक की वैल्यू है, उस पर एडिशनल बेनिफिट कैसे दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए कि लोग पेट्रोल डीजल से अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर लेकर आए, इवन कि अगर वो कमर्शियल में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसको क्या बेनिफिट दिया जाए, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी है। और एक ऐसी पॉलिसी हम लेकर आएंगे जो आने वाले समय में मोटिवेट करेगी कि वी स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। सर, नया साल आ रहा है तो मतलब ओवरऑल लेमेन के रूप से मैं अगर आपसे पूछूं तो 2022 तक अगर जाए हरियाणा तो कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं परचेज करने की तब तक सरकार पूरा सिस्टम बना देगी। देखिए, हमने ये टारगेट तो जरूर लिया है कि हम एक साल के अंदर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर चाहे वो बस की कैटेगरी में आते हो, एटलीस्ट हम 5,000 से प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी सड़कों पर देख पाए। इसके अंदर स्पेशली गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनकी कन्वर्शन की बात हो, गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ के पर्सनल व्हीकल के तौर पे अगर लेते हैं उसकी बात हो, एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया जाएगा। और मैं मानता हूँ 2021 के बाद जब हम 22 में एंटर करेंगे तो आप खुद हरियाणा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ी तादाद में देखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।